विंध के सबसे बड़े शहर रीवा नगर निगम की सड़कें इस कदर खराब है कि इसे देखकर कोई भी ये कहेगा कि ये सड़कें गांव से भी बदतर है। यहां अगर कोई फंस जाता है तो उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 3 से 4 किलोमीटर की सड़कें कीचड़ से सनी हुई हैं। ये हाल वार्ड क्रमांक 15 और वार्ड क्रमांक 26 की सड़कों का है। दिलीप सिंह है, मैं वार्ड 26 में नगर निगम के वार्ड 26 का निवासी हूँ। पिछले 4 साल से मैं यहाँ घर बना के रह रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये रोड इतनी ख़राब है कि यहाँ पे चलना लोगों का इतना दूभर है कि 12 महीना समस्या रहती है, लेकिन जब भी बारिश हो जाती है तो उसमें निकलना इतना कठिन हो जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, कोई बीमार हो जाए, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल नहीं पहुँच पाता है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है वो फंस जाती है गाड़ी, वो निकलना मुश्किल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो निवासी हैं मोहल्ले के, वो सब लोग यहाँ वहाँ फरियाद कर चुके हैं। हम लोग जाके लाइट की भी समस्या यहाँ बनी रहती, इतना लो वोल्टेज रहता है कि पंखा तक नहीं घूमता है, पानी की सप्लाई नहीं आती। हम लोग कनेक्शन लिए हैं नगर निगम से, इसकी भी शिकायत हमने कई जगह किया, CM हेल्पलाइन में किया, लेकिन कोई निराकरण किसी चीज़ को लेके नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इसके अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मैटर जाए और इस समस्या का हल करें कि यहाँ की जो भी पब्लिक है वो समय से बच्चों को स्कूल छोड़ पाए, अस्पताल पहुँच पाए और किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। घर का सामान लाना होता है कि जो आटा लाना होता है, कुछ भी लाना होता है, कैसे? हम लोग 4 महीने की पहले से व्यवस्था करते हैं कि जैसे गैस ख़त्म हो जाए तो नहीं ला सकते हैं। तो बारिश के टाइम में हमेशा बारिश होती है, बाकी सीजन में तो कभी कभी होती है, लेकिन बारिश के टाइम में हम लोग पहले 2 सिलेंडर फिलअप करा के रख लेते हैं, कम से कम 4 महीने तो चली जाए। नहीं चल पाता तो इससे उससे लेके अगल बगल वालों से ही काम चलाते हैं, वहाँ से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम ऐसे हमें आटा पिसा के रखना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल पाए, बहुत मुश्किल। ये तो कितने घंटे की बात छोड़ दीजिए, निकल जाएं ये बड़ी बात रहती है कि हम निकल पाएं इससे। और यहाँ से लोग निकलते हैं, कई बार गाड़ियाँ छोड़ के चले जाते हैं, यहीं पे गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, वो पैदल चले जाते हैं। और जब भी मौसम खुलता हो या साफ, पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कम से कम 4 से 10 घंटा तो फंसी रहती है। जब पानी निकलेगा, कोई किसी के ट्रैक्टर ले आएंगे, टोचन करके किसी तरह निकालेंगे तो जाके निकलती है। 4 चक्का तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। 2 चक्का मान लीजिए मुश्किल पड़ जाता है। स्कूली बच्चे इतना कीचड़ में जाते हैं बेचारे, उनके माँ बाप कंधे में लेके जाते हैं बच्चों को, कोई भी गाड़ियाँ नहीं आती हैं। ये माने 1 किलोमीटर दुर्गा मंदिर तरफ से वार्ड 15 से 26 तरफ जो रोड आती है दक्षिण दिशा में गुड़ रोड में, इसकी इतनी दयनीय स्थिति है रोड की कि क्या बताएं।